जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम को डेडिकेट करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रहीम अली ढिल्लू साहब, जो कि लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर नबिया, बर्ड्स का शौक तो मुझे बचपन से ही था। अच्छा। और मैंने हमेशा बर्ड्स रखे। अभी कुछ अरसे से जो ये लव बर्ड्स की जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लव बर्ड मैंने पिछले कुछ 6-7-8 साल से रखे हुए थे। अच्छा। और आई डेंट हैव एनी आइडिया कि ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री टर्न आउट होने वाली है। तो हम इसको एविकल्चर बोलते हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इट्स अ कम्प्लीट फील्ड, इट्स अ न्यू फील्ड फॉर एविकल्चर। इट्स एन एविकल्चर। अच्छा। और दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में इसके ऊपर काम हो रहा है। और अब पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से, जैसे बहुत सारे एविकल्चरिस्ट मेरी तरह और हैं जो कि अपने YouTube चैनल के थ्रू और अपने जो सेमिनार्स और शोज के थ्रू इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो भी एक इंडस्ट्री की शेप कम्प्लीटली इसने कर ली है। और आने वाले, वही मैंने कहा ना कि चंद सालों में हमें नजर आएगा कि ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है।